Hello Pokemon trainers, welcome back to the Rampage Gaming with Pokemon Evolution latest video. So are you okay? तो आप सही हो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि भाई 1K के हम बहुत ही ज़्यादा करीब होने वाले हैं. तो फाइनली हम इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है मैं बताता हूँ, सीधे बताता हूँ. हम हर वीडियो टॉपिक में, जैसे कि अब मैं हर वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें मैं तीन टॉपिक क्रॉस करने वाला हूँ, तीन टॉपिक खत्म करने वाला हूँ. तो इस वीडियो में मैं तीन टॉपिक क्रॉस करूंगा. गियर के बारे में बताऊंगा, गियर शॉट कहाँ से मिलेंगे एक्स्ट्रा वो बताऊंगा, और स्पीड की के बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम गियर के बारे में. तो किसी भी पोकेमॉन पर अगर आप गियर पे क्लिक करोगे तो उसका लेजेंडरी गियर ही दिखाएगा, और अदरवाइज कोई नहीं दिखाएगा, लेजेंडरी गियर ही दिखाएगा. तो अगर जो आपके पास उसमें है तो आप रिडीम कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से रिडीम कर लेता हूँ. और अगर जो आप किसी और पोकेमॉन के पास जाओगे तो भाई वहाँ पे भी दिखेगा, देख सकते हो. तो भाई मैंने रिडीम यहाँ से कर लिया. ठीक है, अब मैं कट करके आ जाऊँगा तो देखोगे भाई अभी भी मैंने अभी वियर कर दूंगा. तो भाई किसी भी पोकेमॉन पर अगर जब क्लिक करोगे तो भाई उसका एक एक्सक्लूसिव गियर रहेगा ही रहेगा. अब ये नहीं भाई, अगर जो आप जाके किसका चेक करोगे भाई, कौन सा पोकेमॉन रेड अटैक चेक करोगे तो भाई रेड अटैक का नहीं मिलेगा आपको, कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन के मिलेंगे. ठीक है, कुछ मिथ या लेजेंडरी होने चाहिए उन्हीं के मिलेंगे. ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर जो मैं गार्चम पर जब चेक करूँगा तो उसका गियर तो है नहीं, मतलब है लेकिन वो रिडीम करने से नहीं मिलता. अगर रिडीम करने से मिलता तो मैं पक्का जाकर खेलता. अगर जो मैं ग्रीनजा के पास जाऊँगा और उसके गियर पर चेकआउट करके उसके गियर करूँगा तो भाई उसकी पावर डबल हो जाएगी. तो भाई गियर यही एक टुकड़ा है भाई, पोकेमॉन का एक टुकड़ा है. अगर जो पोकेडेक्स एक टुकड़ा है तो भाई एफटवालू एक टुकड़ा है, और एफटवालू और ये रून भी एक टुकड़ा है, तो भाई ये भी एक टुकड़ा ही है, ये भी एक पीस है. अगर जो ये आप पोकेमॉन को नहीं दोगे तो भाई इससे पोकेमॉन आपका स्ट्रांग नहीं होगा. सबसे मेन चीज गियर ही रहता है. ठीक है, अब जैसे कि गियर स्पीड कलेक्टर नहीं पड़ता लेकिन भाई बैटल में कम आता है. अब जैसे कि मैंने गार्जियन के गियर पर क्लिक किया तो देखोगे भाई यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन है ही नहीं, मतलब ये इवेंट में मिलेगा. ठीक है, अब अगर जो आप किसी भी पोकेमॉन पे जैसे कि लूगिया जिरेटिना या पालकिया पे गियर के क्लिक करोगे तो आपको एचपी देने पड़ेंगे. ये जो है ना कार्ड, ये जो ऊपर टिकट देख रहे हो अपनी पोटेंट गियर था, तो आपको एचपी देने पड़ेंगे तभी आपको मिलेगा लेजेंडरी पोकेमॉन का. अब पिज़ोट का 10 में मिल जाएगा भाई. अब टापू को कुछ स्टार का तो कुछ गियर ही नहीं है भाई, दरनियत का मैंने बहुत ही पहले ले लिया था. तो यही होता है गियर. ठीक है, एक टुकड़ा होता है, एक पीस होता है, अगर जो वो आप नहीं दोगे तो भाई आप पूरे के पूरे पोकेमॉन आपका फेल है. ठीक है, इसको वियर कैसे कर, अपग्रेड कैसे करें. अब भाई जो लेजेंडरीज के गियर रहते हैं उसमें गियर सेंस लगता है. ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 10 तक जाता है. 1, 2, 3 करने में बहुत ही मेहनत लगता है. तो गियर शॉट्स को आप टीम शॉट स्वीप करके ले सकते हो, और गियर सेंस कहाँ से ले सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ. ठीक है, गियर सेंस कहाँ से मिलेंगे बताता हूँ. स्टोर में आ जाना, ठीक है, सिंपल सा स्टोर में आ जाना. स्टोर में जाने के बाद फिर आप आ जाना क्लब वाले ऑप्शन पे. ठीक है, उसके बाद फिर हम क्लब के ऑप्शन पे जाएंगे. यहाँ पे देख सकते हो भाई क्लब का ऑप्शन है, नीचे हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे गियर सेंस मिल जाएगा. ठीक है, अब देखोगे 10 मिल रहा है, 2000 स्टोन में आपको क्वान में 10 स्टोन मिल गया गियर सेंस का. अब वहाँ पर अगर जब जाओगे तो आपको अपग्रेड करने के लिए दिखाएगा, लेकिन भाई हमारे पास अभी गियर कार्ड है नहीं तो अपग्रेड करने के लिए नहीं दिखाएगा, यही बात प्रॉब्लम का है. ठीक है, तो गियर को आपको अपग्रेड करने के लिए भाई गियर कार्ड्स कलेक्ट करने पड़ते हैं और गियर सेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं. और फाइनली अगर जब 40 और फाइनली अगर जो आप जैसे ड्रैगन फैंग या ये क्या कहते हैं भाई, ये क्या कहते हैं, सिल्वर पाउडर या चारकोल या ये मिरकल सीड अपग्रेड करोगे तब को 160 गियर कार्ड देने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे. क्योंकि भाई ये स्टार्टिंग गियर थे ना, इसलिए वो सब नहीं देने पड़ेंगे. तो भाई इसमें कोई बात नहीं है. तो लेजेंडरी गियर के पीछे हमेशा येलो ही रहता है, आप जानते ही हो. तो उसे अपग्रेड करने के लिए ढेर सारे गियर कार्ड और गियर सेंस चाहिए रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है भाई कि यहाँ पे आप देखो तो ये भी नहीं रिडीम हो रहा है, क्योंकि भाई ये पता नहीं क्यों नहीं रिडीम हो रहा है. यहाँ पे आप देखो भाई प्लेटिनम जीट क्यों नहीं रिडीम हो रहा, इसे मैं शॉप से ले लूँगा भाई. यहाँ पे दिख नहीं रहा कि भाई हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो ये देखो तो भाई, तो ब्रो हमारा ये टॉपिक पूरा क्रॉस हो गया कि भाई गियर होता क्या है. मैंने 4 मिनट के अंदर आपको गियर के बारे में बता दिया. अब चलते हैं अपने सीडी क्यू के ऊपर. सीडी क्यू के ऊपर जाने के लिए सबसे पहले हमें क्लिक करना पड़ता है अपने पावर के ऊपर. अब पावर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो भाई अपने ये जो आपको फोटो फ्रेम दिख रहा है उस पर क्लिक करना है. तो यहाँ क्लिक करोगे तो भाई कुछ और ही आ जाएगा. तो हमने फोटो फ्रेम के ऊपर क्लिक कर दिया. अब आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है. सेटिंग वाले ऑप्शन पर हम आ गए और सीडी की यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, सीडी की यूज़ करने से पहले सीडी की के ऊपर क्लिक करो, और जो मैं सीडी की लिखता हूँ वही आप राइट डाउन कर लो, और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया. ठीक है, यही है सीडी की 5V5F96F3F7939D76. भाई डन करना है और सेंड कर देना. ठीक है, हम डन करके और सेंड कर देते हैं. डन हो जा,
सो अगर आपको यूट्यूब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। सेंड हमने कर दिया और कट का ऑप्शन। फिर हम नीचे जाते हैं, अपने ईमेल में आके क्लेम कर लेते हैं। भाई हमें देख सकते हो, भाई हमें मिल चुका अपना एक्टिवेशन कोड पैकेज, मतलब हमें सीडीकी का रिवॉर्ड मिल चुका है। देख लो भाई, यही है सीडीकी का रिवॉर्ड। अगर जो आपको यूट्यूब पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि भाई हम 1K बहुत ही करीब हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। हमने अरे जैसे कि किसी प्लेयर ने पूछा था गियर के बारे में, तो मैंने गियर के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी। अगर जो आप भी मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब।